बारिश ने शुरू होते ही लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। नगरपालिका के लोगों की समस्या ना ही दिखाई देती है ना ही उसकी पीड़ा। ऐसा ही आज मामला सामने आया सज्जा कॉलोनी से। अभी बारिश शुरू हुए 11 दिन ही हुए हैं कि जिसने रहवासियों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जिन्हें अपने घर से निकलना तो दूर घर में रहना मुश्किल हो रहा है। उनके घरों में 3 फुट तक पानी भरा रहता है। इसकी जब कॉलोनी वासियों ने शिकायत नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन पर की तो वहां से उनको हर बार कुछ समय का आश्वासन देकर शिकायत को बंद करा दिया जाता था। वहीं आज कॉलोनी वासियों का हाल यह है कि वो अपने घरों को छोड़ कहीं सुरक्षित जगह पर किराए से कमरा लेकर रहना पड़ रहा है। वहीं समस्याओं के बीच कुछ लोग इस आस में जूझ रहे हैं कि अब उनकी सुनवाई होगी। समस्या ये एक डेढ़ महीने हुआ है, मेरे फोन लगाए और कंप्लेंट भी की है, वो आती ही नहीं है। मना करते हैं जी पानी की, ये तो साहब का है, उनका कहना है मैं दरवा दूंगा, दरी हो जाएगी, ना तो दरी ना कुछ हुआ, ना तो बाट मारे आते, वो मेम्बर कौन है चूतिया, वो भी नहीं सुनना। अच्छा, आपके घर में भी पानी पानी भरा है? एक डेढ़ कम से कम गोडू गोडू पानी भरा है। तो आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ, वो इधर भी पानी वगैरह अभी वह पे नली खोदी है तो वो भी भरी नहीं है सही ढंग से। समस्या ये है कि एक गड्ढा है 4 बीघा का, उसमें पानी भर जाता है और बाढ़ का एकत्रित हो जाता है नालियों का, ठीक है, और बारिश का हो जाता है। तो इससे क्या है, गलियों में आ रहा है पानी और दूसरी बात घरों में आ रहा है। कुछ लोग किराए से कमरा ले लेके भाग गए और घर में इतना इतना पानी है गुंडे गुंडे तक। और जिम्मेदार अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि रखवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, आश्वासन देके वैसे भी। समस्या ये आ रही है कि जहाँ पर पानी भरा रहता है खूब ज़्यादा, हमारा निकलने के लिए दिक्कत आती है, कीड़े मकोड़ों का डर रहता है, यहाँ पर बच्चों के लिए रात रात निकल नहीं पाते, कुछ सामान लेने जाना है घर में बिल्कुल दिक्कत आती है, कोई भी पानी के अंदर निकल नहीं पाते, पानी में कीड़े मकोड़े घूमते हैं खूब बड़े बड़े, लाइट का यहाँ पे नहीं है, कोई भी अंडर लगा नहीं है, यहाँ पर अंधेरा रहता है रात में बिल्कुल, आप पानी में जाओगे कीड़े मकोड़े डर रहता है काटने के लिए।